से होते हैं और सतयुग में सिर्फ एक वंश होगा, दूसरा वंश नहीं होगा। अभी संगम युग में सूर्यवंशी कृष्ण भी होगा और चंद्रवंशी राधा भी होगी। सूर्यवंशी कृष्ण सोलह कला संपूर्ण और चंद्रवंशी राधा को सोलह कला संपूर्ण नहीं कहेंगे। वो सूर्यवंशी तब बनती है जब कृष्ण के साथ स्वयंवर हो जाता है। ये स्वयंवर की बात कौन सी युग की है जो शास्त्रों में आई है? ये यादगार संगम युग की है। संगम युग में चंद्रवंशी राधा जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को फॉलो करने वाली है, वो जब सूर्य का अनुसरण करती है तो सूर्यवंशी बन जाती है। इसलिए भारत की परंपरा में जो कन्या नीचे कुल की भी होती है और ऊंचे कुल के पुरुष के साथ शादी करती है, संग करती है, तो उसके संग के रंग से वो भी उस ऊंचे कुल की मानी जाती है। ये फाउंडेशन यहां पड़ता है। सतयुग में कोई चंद्रवंशी नहीं रहेगा, कोई इस्लाम वंशी नहीं रहेगा, कोई बौद्धि वंशी का छिलका वाला नहीं रहेगा। सतयुग के आठ जन्म होंगे, उन आठों जन्मों में आठों ही डिनेस्टी के आठ नारायण सब सूर्यवंशी होंगे। त्रेता युग में चंद्रवंशी होंगे। राधा को कुछ आरस करना पड़ेगा क्या? सूर्य को फॉलो करे तो सूर्यवंशी, चंद्रमा को फॉलो करे तो चंद्रवंशी, इस्लाम को फॉलो करे तो इस्लाम वंशी, क्राइस्ट को फॉलो करे तो क्रिश्चियन वंशी। तो सूर्यवंशी बनने के लिए सूर्य को फॉलो करने का पुरुषार्थ तो करना पड़े। बाबा बीके वाले क्वेश्चन करते हैं, राम सूर्यवंशी है या कृष्ण सूर्यवंशी है? भक्ति मार्ग में किसको सूर्यवंशी माना जाता है? ये कहाँ की यादगार है? वो कहते हैं कृष्ण सूर्य है, सोलह कला है। कृष्ण सोलह कला है, राम चौदह कला है। सोलह कला और चौदह कला जो शास्त्रों में बात आई है सूर्यवंश और चंद्रवंश की, वो कहाँ की यादगार है? सतयुग के राधा कृष्ण की यादगार है या संगम युग की राधा कृष्ण की यादगार है? तो संगम युग में जो कृष्ण है वो सूर्यवंशी है, संगम युग में जो राधा है ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के परंपराओं को फॉलो करने वाली है वो चंद्रवंशी है। सूर्य किसी से ज्ञान लेता है क्या? रोशनी लेता है क्या? सूर्य रोशनी लेता है या चंद्रमा रोशनी लेता है? चंद्रमा सूर्य से रोशनी लेता है। तो ब्रह्मा को मुरलियों में सूर्य बताया है या चंद्रमा बताया है? तो ब्रह्मा हो गया ज्ञान चंद्रमा, वो किससे रोशनी लेता है? ज्ञान की रोशनी चंद्रमा ने किससे ली संगम युग में?
जरूर कोई ज्ञान सूर्य हुआ है, और ऐसा ज्ञान सूर्य हुआ है जिसने किसी से पढ़ाई नहीं पढ़ी, किसी से ज्ञान की रोशनी नहीं ली साकार में। वो सबको ज्ञान की रोशनी देने वाला है साकार में, उसको ज्ञान की साकार में रोशनी देने वाला कोई भी नहीं है। आदि में भी नहीं था, मध्य में भी नहीं होता, और अंत में भी उसको कोई पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। वो सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है, और सुप्रीम गुरु है। बाबा, हम पाठशाला बोल सकते हैं क्या? हम भक्ति करने आए हैं। नहीं, पाठशाला खोलने के लिए पहली बात है भट्टी की, 7 दिन की भट्टी, 1 दिन आना 1 दिन जाना, 9 दिन ज्ञान गर्भ में पकना पड़े। फिर बच्चा बन के पैदा हुआ, भट्टी में कोई खंडन नहीं आया, कोई विघन ना आया, तो पहली बात तो पूरी हो गई। और वो भट्टी अकेले की ना हो, दोनों ने भट्टी की हुई हो, क्योंकि ज्ञान का लक्ष्य है नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। तो गीता पाठशाला खोलना माना अपने घर को लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाना। बाबा, 4 आत्माएं आई हैं, पूरा परिवार। जो लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाएगा तो ये लक्ष्य रखिए कि हमें अपने घर गृहस्थ को लक्ष्मी नारायण जैसा वातावरण बनाना मंदिर का। ऐसे नहीं कि एक घर परिवार में रहें और गीता पाठशाला मील 2 मील या फरलांग 2 फरलांग या 10-20 गज के दायरे पर कहीं दूसरे मकान में खोल दी जाए, उसको गीता पाठशाला नहीं कहेंगे। अपना घर हो, युगल हो, भट्टी किए हुए हो और बेसिक नॉलेज में चलते रहे हो तो और सोने में सुहागा। बेसिक नहीं चलने वाला? हाँ जी, 17 साल से बेसिक में चलते, क्योंकि वो ज्यादा गहराई को समझेंगे। और इसके अलावा एक मुख्य बात और है, वो है हिंदी जानने की। हिंदी बोलना और समझना अच्छी तरह से आता हो, ताकि अगर कहीं दूसरे भाषा भाषी प्रदेश से आए हैं तो आने वालों को हिंदी का अनुवाद करके सुना सके। बाबा, वहाँ पे 10-20 आत्माएं हैं, उनको भी लेके आएंगे। वो भी इच्छुक हैं बाबा, वो कह लगे एक बार भट्टी करके आओ, फिर वो भी बहुत अभिलाषा में है। गीता पाठशाला बनेगी माने गीता मंदिर कहा जाएगा, और गीता मंदिर का यादगार बना हुआ है गांव-गांव में, शहर-शहर में। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का यादगार नहीं है, गीता मंदिर बना हुआ है। बाबा, ये तो गीता मंदिर में कम से कम 5 आत्माएं जरूर होनी चाहिए, 5 पांडवों के रूप में, तो गीता पाठशाला है। बाबा, ये तो डर रहता है युगल, और मेरे को 15 साल हो गए। अगर 5 पांडव नहीं है तब तक गीता पाठशाला नहीं। बाबा, इतने तो नहीं है 5 पांडव, कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा तो फिर 7 अक्षौणी भी हो जाए तो भी चलेगा। बाबा, ये बच्ची कहती है कि मैं बाबा के घर पे ही रहना चाहती हूँ, ये देखो। कह रही है मैं घर नहीं चाहती, मैं तो बाबा के घर पे रहूंगी। अब ये पहली बार आई है और बाबा के घर पे ऐसे आकर्षित हो गई है, कह रही है मैं बाबा के पास रहूंगी। ऐसा होता है, छोटी छोटी बच्चियों को सरेंडर कर देते हैं, वो बच्चियां बड़ी हो जाती हैं, बाद में कहती हैं हमको तो हमारे माँ बाप ने सरेंडर कर दिया था। ये बाबा पूछ रहे हैं, हम अपनी मर्जी से थोड़ा ही सरेंडर हुए थे, अब हम 18 साल के हो गए, हम घर जा रहे हैं। ये थोड़ा इनको समझदार होने दो, तब तक इनकी सुरक्षा करो।
अपनी समझ से जब सरेंडर होंगे तो फिर हिलेंगे नहीं। माँ बाप के फोर्स से सरेंडर हो जाते हैं तो पुष्करणी ब्राह्मण बनने का डर रहता है। पुष्करणी तो धक्का देके नहीं, हम धक्का नहीं दे रहे, वो अपनी समझ। अभी इससे पूछा जाए तुम यहाँ क्यों रहने वाले हो, तुम्हें कैसे पता कि भगवान यहाँ आया हुआ है, तो जवाब नहीं दे सकेगी। हो सकता है आप भी जवाब न दे सके। नहीं बाबा, अच्छा है ना, जवाब देने में क्या है, भगवान का घर पे रहना तो सबसे बड़ी बात है। नहीं, और घर पे ये कैसे पता कि ये भगवान का ही घर है, तो बाबा निश्चय है ना, और कहीं शैतान का घर दुनिया ने घोषित कर दिया तो। नहीं बाबा, निश्चय है, तभी तो कह रहे हैं। नहीं, निश्चय की बात नहीं, निश्चय को साबित करना पड़े ना, निश्चय को दुनिया के सामने साबित करना पड़े। ऐसे नहीं, हमको तो निश्चय है, लेकिन तो दुनिया समझती है, लेकिन बाबा के बच्चे नहीं समझते। बाबा के बच्चे तो निश्चय बुद्धि हैं। नहीं, जो बच्ची सरेंडर होगी उसकी बुद्धि में कुछ तो ज्ञान बैठे। हाँ, पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। घर परिवार में बच्चे भी आ जाते हैं। यज्ञ में समर्पित होने के लिए भी कुछ समय है क्या, कि कब तक समर्पित हो सकता है, अभी आने वाले समय? समझदार बन जाए। नहीं, अभी जैसे और जो भाई बहन है हमारी, इच्छा है, तो कब तक ऐसा समय है कि जब तक आ जाए। यज्ञ में सरेंडर होने की, किसकी सरेंडर होने की बात कर रहे हैं? नहीं, जैसे तन मन धन से समर्पित होने की जो समय है, जैसे कि मान लो अभी हमारा रिटायरमेंट में कुछ टाइम है। हाँ जी, कम समय है तो हम पहले रिटायरमेंट लेकर के आ जाए। आपका रिटायरमेंट न हो, आप नौकरी भी करते रहे, गीता पाठशाला भी चलाते रहे, ईश्वरीय सेवा भी करते रहे, तो ये संभव नहीं हो सकता कि आप सरेंडर की लिस्ट में हो जाएं। कोई नौकरी छोड़ना कोई जरूरी नहीं है, है? आप जाके आए हो ना, वो तो सब चल रहा है, सेवा भी चल रही है। ये बाबा का काम है, गीता पाठशाला खुलेगी, वैलिड होगी तो बाबा तो जाएंगे ही। नहीं नहीं, आप गीता पाठशाला भी है, बाहर की सेवा भी करते हैं, वो सर्विस भी कर रहे हैं। सर्विस छोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं बाबा, ऐसे तो बाबा ने बोला है, छोड़ने की बात तब करना है जब ईश्वरीय सेवा में इतने बिजी हो जाएं कि लौकिक सर्विस करने का टाइम ही ना बचे। अलौकिक सेवा का प्रूफ भी बाबा के पास आना चाहिए। बाबा, तो मुगले में कहाँ है, क्या सिंध हैदराबाद में जो साक्षात्कार के आधार पर संदेश मिला है, सिंध हैदराबाद में जो संदेश मिला वो साक्षात्कार के आधार पर है, तो साक्षात्कार के आधार पर अगर संदेश मिला तो उन माता कन्या को 7-8 तालाकंद बंद करके क्यों रखते थे, क्योंकि सभी को निश्चय करना चाहिए था। साक्षात्कार जिनको हुआ वो कन्या माताओं को हुआ, उनके माँ बाप को थोड़े ही हुआ, उनके पतियों को थोड़े ही हुआ। अगर उनके पतियों को भी साक्षात्कार हुआ होता, उनके माँ बाप को भी साक्षात्कार हुआ होता, सास ससुर को भी साक्षात्कार हुआ होता, तो तालों में क्यों बंद करते? तो उस समय जो 9 लाख की आबादी जो मैंने संदेश मिला था, तो की ज़्यादा था। संदेश मिला, उन्होंने उसको प्रैक्टिकल में नहीं लाया, रेगुलर नहीं बने, पर एक बार साक्षात्कार हो गया, उस समय बुद्धि में खुशी आ गई, भगवान आया हुआ लगता है। 9 लाख आबादी, 9 लाख जो आबादी थी, उस 9 लाख आबादी में सबको एक बार ऐसा निश्चय हो गया, थोड़े समय के लिए, 10 सेकंड के लिए भी निश्चय हुआ, 10 मिनट के लिए भी निश्चय हुआ, आ गए प्रजा में। पुरुषार्थ नहीं किया, पुरुषार्थ करेंगे तो प्रजा से ऊंचा उठ करके राज परिवार में आओ। पुरुषार्थ करते करते फेल हो गए तो दास दासी भी बन सकते हैं। मीडियम पुरुषार्थ रहा तो बड़े बड़े साहूकार बन सकते हैं। बाकी सिर्फ संदेश ले लिया, थोड़े समय के लिए खुशी आई, आया राम गया राम, फिर अपनी दुनिया में मस्त हो गए,
पुरुषार्थ कुछ किया ही नहीं तो वो तो प्रजा वर्ग में चले गए। ड्रामा में कहा गया है कि ये ड्रामा 5000 वर्ष में हूबहू घूमता है वैसे ही। हाँ जी, अगर पिछले कल्प में किसी आत्मा का नंबर मादा में नमा रहा हो तो पुरुषार्थ अनुसार तीसरा नंबर ला सकता है अगले कल्प में। नौवा नंबर अगर 5000 वर्ष पहले रहा है तो नौवा ही नंबर आवेगा, मतलब तीसरा नंबर पुरुषार्थ के अनुसार नहीं ला सकती। सवाल ही पैदा नहीं होता। दुनिया की हर चीज का अपना साइकिल है, जो हर चीज जो है, हर अणु अणु है, हर आत्मा आत्मा जो जैसा चक्कर जहाँ जहाँ ऐसा लगा के आई है फिर उसी बिंदु पर पहुँचना। नंबर नमा ही रहेगा कल्प कल्प हमेशा। जिसका जो नंबर है, जो पार्ट है, जो मक्खी इस समय यहाँ उड़ रही है, मच्छर उड़ रहा है, वो इसी समय ऐसे ही यहाँ उड़ेगा। कुछ नहीं बदला जा सकता। ये तो बेसिक नॉलेज की बातें हैं। एडवांस में आने वालों को तो ये प्रश्न नहीं रहना चाहिए है? बेसिक में से आ रहे हैं लेकिन बेसिक की बात ही अभी पक्की बुद्धि में नहीं बैठी है, है? बट्टी हुई नहीं ऐसा, बट्टी चालू है, अभी हुई नहीं बट्टी, चालू भी नहीं हुई। माउंट आबू तो होगा नहीं तो यहाँ कैसे आ गए? यहाँ आपके दर्शन हो गए 2000 में पहली बार आते ही समय। यहाँ तो नियम ही नहीं है, यहाँ का जो कायदा कानून है उसके अनुसार जो भट्टी करने वाले उनको ही आना है। आपका आशीर्वाद है। आशीर्वाद नहीं है ये, आशीर्वाद नहीं, ये किसी कॉलेज के नियम का उल्लंघन है। यहाँ का जो नियम है उसके अनुसार भट्टी करने के बाद ही सभा में बैठना है। कोई भी कॉलेज हो, स्कूल हो, वहाँ के कायदे कानून का उल्लंघन करना फाउंडेशन में ही ऐसा शुरू हो जाएगा क्या? आदि में ही अगर ऐसा हो जाएगा, होता रहेगा तो आदि सो अंत हो जाएगा। फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन हो जाता है। बाप दादा में बाप शब्द जो है वो सुप्रीम सोल प्लस राम वाली आत्मा के लिए, और दादा सिर्फ ब्रह्मा बाबा के लिए। दादा माना षष्ठी रूपी रंगमंच पर जन्म लेने वाला पहला बच्चा, बड़ा भाई। पर राम वाली आत्मा के लिए दादा शब्द आया नहीं, वो डाडे, वो डाडे शब्द अलग है। डाडे माने ग्रैंडफादर, बाप डाडे, बाप डाडा, डाडा शब्द अलग है और दादा शब्द अलग है। कहते ना दादागिरी मत दिखाओ। घर परिवार में भी जो बड़ा भाई होता है वो दादागिरी दिखाता है। बाबा ने भी कहा है कि बड़ा भाई बाप समान होता है। बाबा, स्वादि में जो बिनाशकारा प्रज्वलित हुआ था तो ब्रह्मा और बाप और ब्राह्मण बचे, तो ब्रह्मा यहाँ पे दादा लिख रहा है, ब्रह्मा को ही कहा आदि में? ये कैसे मालूम कि यज्ञ में जो आदि में विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी उसमें ब्रह्मा बाबा जो है वो ब्रह्मा के रूप में थे, बच्चों के रूप में नहीं थे? नहीं, विजय जयंती के डिस्कशन में उसमें तो बोले ना दादा लेखराज ब्रह्मा। दादा लेखराज ब्रह्मा? हाँ। दादा लेखराज ब्रह्मा वो बच्चा का पार्ट बजाने वाली आत्मा है, बेबी बुद्धि है, या माँ बाप का पार्ट बजाने वाली आत्मा है? हाँ, ब्रह्मा माना जगदम्बा। आदि में जो विनाश का निमित्त बनता है वो आदि सो
अंत में भी विनाश का निमित्त बनता है। जगदम्बा महाकाली का पाठ बजाती है, चाहे बेसिक हो चाहे एडवांस हो। नवाब लौकिक में जब से हम जन्म लिए अब कोई जब से वो कर्म किए हैं वो भी ड्रामा मूड है कि जब से ज्ञान में आए तब से? ड्रामा में तो सारे ही कर्म नूद है 5000 साल के। शूटिंग की बात करो कि जो शूटिंग हो रही है वो लौकिक दुनिया की शूटिंग भी शूटिंग है या ब्राह्मणों की अलौकिक दुनिया में जब से जन्म लिया तब से शूटिंग हो रही है? जब जन्म लिया तब से शूटिंग की बात शुरू होती है। पहला नारायण बीज रूप बनते हैं और बाकी नारायण आधार मृत्यु। पहला नारायण बीज रूप बनता है ना? हाँ जी। तो बाकी नारायण आधार मृत्यु। जो नारायण है दुनिया का ऊंचे से ऊंचा पद है या नंबर वार पद है? नारायण शब्द नंबर वार पद है लेकिन ऊंचे से ऊंचा एक ही होगा या सारे ही होंगे? जो ऊंचे से ऊंचा एक है वो सब नारायण का बीज है और बाकी सब नारायण पत्ते हैं। इसलिए पहला नारायण है बीज रूप और बाकी सब हो गए पत्ते। हाँ जी माता जी। एक डिस्कशन में आप बोलते हैं कि 18-19 और थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो। 18-19 से एक आत्मा स्पिरिट पकड़ेगी है? 18-19 से एक आत्मा स्पिरिट पकड़ेगी। क्या पकड़ेगी? स्पिरिट। 18-19 से माना ज्ञान के 2018-19 से एक आत्मा स्पिरिट पकड़ेगी। हाँ तो बोलो कौन सी आत्मा? एक आत्मा स्पीड पकड़ेगी। एक आत्मा जिसकी से मैं बोला था हैं? एक जिसकी से मैं बोला था 18-19 से एक आत्मा हां स्पीड पकड़ेगी। माना राधा कृष्ण का जब जन्म होता है तो उनका जन्म वाइब्रेशन से होता है या शरीर की जो स्थूल इंद्रियां हैं कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां उनके संसर्ग से होता है? माने इंद्रियों का भी संसर्ग संपर्क देखने में नहीं आता, जैसे पपीता का वृक्ष हर पौधा जो है वो नर और मादा के रूप में होता है। जो मादा पौधा होता है वो नर से अपना पराग खींचता है। पपीता का पौधा मीलों दूर भी होता है तो भी अपना पराग खींच लेता है। साथ में न पैदा हुआ हो तो भी चले। ये मिसाल है बताने के लिए। सतयुग की पहली डायनेस्टी की जो पैदाइश होगी वो इतनी पावरफुल होगी, इतनी सूक्ष्म स्टेज वाली होगी, इतनी एकाग्रता वाली होगी कि दृष्टि का भी संयोग नहीं होगा। देवताओं का जन्म ज्ञान इंद्रियों के संयोग से होता है। इसलिए कमल नयन कमल मुख गाया जाता है। देवताओं के नेत्र बड़े सुंदर और बड़े बड़े दिखाए जाते हैं, उनकी ज्ञानेंद्रियों में बहुत शक्ति थी।
लेकिन ये बात है सतयुगी दुनिया की। लेकिन सतयुगी दुनिया के आरंभ में जब सतयुग दुनिया आरंभ होती है तो उसको आरंभ करने वाला जो युगल है, जो नर से डायरेक्ट नारायण बनता है, डायरेक्ट ईश्वर से खिताब लेता है, विश्व महाराजन बनने का, वो स्थूल दृष्टि से भी पैदाइश नहीं करता, वाइब्रेशन का सुख भोगता है। जो सुख गोप गोपियों का गाया हुआ है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, कर्मेंद्रियों के सुख की तो बात ही छोड़ो, ज्ञानेंद्रियों के सुख से भी परे का सुख भोगने वाली आत्मा है। इसलिए पहला पहला जो युगल तैयार होता है राम और उसकी सहयोगिनी शक्ति या शंकर अथवा पार्वती अथवा नारायण या लक्ष्मी, वो ऐसा पहला युगल है जो सारे सृष्टि का बीज है। जैसे कोई पेड़ होता है, उस पेड़ में पत्ते भी होते हैं, टहनियां भी होती हैं, फल भी होते हैं, फूल भी होते हैं, जड़ें भी होती हैं, और उस वृक्ष का बीज भी होता है। सबसे ज्यादा पावर किस में होती है? बीज में, टहनियों में, तने में, बीज में ज्यादा पावर होती है। पत्ते अनेक होंगे, टहनियां अनेक होंगी, तने भी अनेक हो सकते हैं, दो तीन हो सकते हैं, लेकिन सारे वृक्ष का बीज सिर्फ एक होता है। तो एक बीज वो इतना पावरफुल होता है कि अतीन्द्रिय सुख की स्टेज को जब पकड़ता है तो रॉकेट की गति जैसा काम करता है। पहले जब स्पीड पकड़ेंगे तभी तो जन्म देंगे, तो पहले से ही जन्म दे देते। लक्ष्मी नारायण की प्रत्यक्षता कब से होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में लक्ष्मी नारायण की प्रत्यक्षता कब से मानी गई? मानी नहीं, कब से होती है? हैं? सात आठ प्रत्यक्षता रूपी जन्म कब होता है? लक्ष्मी नारायण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म ब्राह्मणों की दुनिया में कब होता है? में बाबा ने घोषणा कराई थी, उस समय की बात है। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष। तो वो टाइम 76 में पूरा होता है, माने ब्राह्मणों की दुनिया में ब्राह्मणों का कोई ऐसा संगठन है जिसकी बुद्धि में ये बात क्लियर हो जाती है, इस दुनिया में लक्ष्मी नारायण बनने वाले जो विश्व महाराजन हैं, विश्व महारानी हैं, वो कौन सी आत्मा है? वो ज्ञान के आधार पर क्लियर हो जाता है। तो सृष्टि के पहला बीज है। सन 76 जो है
उनका संपूर्ण पुरुषार्थ का टाइम नहीं है कि उनका पुरुषार्थ पूरा हो गया, कुछ करने को नहीं रह गया। नहीं, उस बीज बाप को बच्चों को साथ लेकर के नई दुनिया में जाना है। बीज अकेला नई दुनिया में नहीं जा सकता, इसलिए बच्चों के साथ रह करके पुरुषार्थ करना पड़े। बाप दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं, लेकिन किसके लिए रुके हुए? बच्चों के लिए रुके हुए। स्टेज पर कब आएंगे? आपके लिए अभी स्टेज पर ही नहीं आए। नहीं, प्रत्यक्ष हो जाते हैं तो स्टेज पर आने का मतलब आपका क्या है? बिल्कुल एकदम प्रत्यक्ष, यानी सारे संसार में प्रत्यक्ष हो जाना, वो तो 76 की बात है। 76 के बाद सारे संसार में प्रत्यक्ष होने की। बाबा, वो तो ब्राह्मणों की दुनिया में। ब्राह्मणों की दुनिया भी तो बहुत बड़ी है। कोई भी बच्चा घर में पैदा होता है तो पहले परिवार वालों को पता चलता है, माँ बाप को पता चलता है कि सारी दुनिया को पता चल जाता है। पहले परिवार वालों को पता चलता है, फिर मोहल्ले वालों को पता चलता है, फिर गांव वालों को पता चलता है। धीरे धीरे प्रत्यक्षता होती जाती है, बढ़ती जाती है। ऐसे ही जो प्रत्यक्षता है वो स्टेज पर आने वाली बात वो नंबर वार की बुद्धि में बैठती है, सब की बुद्धि में एक साथ नहीं बैठ सकती। जो जितने जास्ती नजदीक होंगे वो आदि से अंत तक वही विष्णु। नहीं बाबा, ये पूछ रहे हैं कि पूरे विश्व के आगे कब प्रत्यक्ष होंगे? अभी तो बताया, जितनी स्थापना होगी उतना विनाश होगा, उतनी प्रत्यक्षता होगी। स्थापना के साथ साथ विनाश भी जुड़ा हुआ है और उसके साथ साथ प्रत्यक्षता भी जुड़ी हुई है। जो भी 500-700 करोड़ की सृष्टि है उस सब का विश्व पिता है या नहीं है? नास्तिकों का भी है या नहीं है? तो नास्तिक से नास्तिक आत्मा भी उस विश्व पिता को मानने के लिए अंत में मजबूर हो जाएगी। वो नास्तिकों की बात है जो दुनिया का लास्ट धर्म है, रशियंस एटम बम बनाने वाले। भक्ति मार्ग में कहा गया है साकार निराकार कुछ नहीं भेदा, तो ये किस अर्थ में कहा गया है? तो यही की तो बात है, निराकार साकार में प्रवेश करता है। निराकार सदाशिव है, ज्योति बिंदु, जो गर्भ से कभी जन्म नहीं लेता है, वो अजन्मा 84 जन्म लेने वाले में प्रवेश करता है। तो ये कैसे अलग किया जाएगा कि ये साकार बोलता है कि निराकार बोलता है? ये साकार ने कर्म किया है या निराकार ने कर्म किया है, ये अलग किया जा सकता है? बाबा जो शिव बाबा को याद करेंगे, बाबा माने साकार और शिव माने बिंदु। मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, वो कभी बदलता नहीं है। जब शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाता है। शिव बाबा को याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे? शिव माने ज्योति बिंदु, जो सदा ज्योति बिंदु है, सदा शिव है और साकार में प्रवेश करता है। तो उस निराकार को साकार में याद करना यही एक्यूरेट याद है, लेकिन पहचान के, किसी के कह देने से नहीं। इसने कह दिया, उसने कह दिया, उसने कह दिया, मान लिया, तो आज मान लिया
और कल प्रत्यक्षता होने वाली है, परीक्षा होने वाली है, रेडियो परीक्षा लेगा, टेलीविजन परीक्षा लेगा, अखबार वाले परीक्षा लेंगे और कलंक इधर प्रत्यक्ष हो जाएगा। कलंक धारण करने वाला प्रत्यक्ष हो जाएगा। तब ये प्रश्न पैदा ना हो जाए, ये भगवान आया कि शैतान आया। हाँ जी, डूबीजा का चित्र दिखाया गया। वो सीढ़ी के बाहर क्यों दिखाया गया, अंदर क्यों नहीं दिखाया गया? क्योंकि जो सीढ़ी उतरते हैं, वो सीढ़ी उतरने वालों की जो कहानी है, वो लक्ष्मी नारायण की कहानी है। क्या वो लक्ष्मी नारायण की कहानी है? जिनकी डूबीजा होने वाली है, उनकी कहानी नहीं है। कहानी है गणेश की कहानी नहीं है, हनुमान की कहानी नहीं है, डूबी जा होने वाली देवियों की कहानी नहीं है। जिनकी पूजा द्वापर के अंत अर्थात कलयुग में शुरू होती है, द्वापर में पूजा भी नहीं होती, द्वापर में फिर भी सात्विकता होती है दुनिया में, और कलयुग में तामसीपन बहुत बढ़ जाता है। तो जब जास्ती तामसीपन बढ़ता है, उसका भी कोई कारण होगा। उसका कारण होता है कि जानवर जैसे जो देवताएं हैं, उनकी भी पूजा शुरू हो जाती है। जैसे मुरली में बोला है, देवी की पूजा करने वाले हैं रावण संप्रदाय। वो रावण संप्रदाय देवी की पूजा करना शुरू कर देते हैं और देवता को बुलाए देते हैं। उनकी बुद्धि में बैठता नहीं है कि दुनिया में कोई ऐसी देवी नहीं होती है भारतवर्ष में जिसके पीछे उसका देवता न हो। भारतवर्ष में विधवाओं की पूजा अच्छी नहीं मानी जाती, विधवाओं की पूजा होती भी नहीं है, सदवाओं की पूजा होती है, उनका गायन होता है। देवी के पुजारी देवी को ही बुद्धि में रखते हैं। उनके पीछे कौन भगवान कार्य कर रहा है, वो उनकी बुद्धि से निकल जाता है। ये सिंगल उपासना नीचे गिराए देती है, राक्षस बनाए देती है। हमारे भारतवर्ष की उपासना है प्रवृत्ति मार्ग की उपासना। लक्ष्मी नारायण का पूजन, राम सीता का पूजन, राधा कृष्ण का पूजन, अगर शिव का भी पूजन करते हैं तो शिव के साथ जलाधारी माना पार्वती है, वो भी प्रवृत्ति मार्ग की उपासना है। हमारा है प्रवृत्ति मार्ग का धर्म, देवी देवता सनातन धर्म। और उन देवी पूजा करने वालों का है निवृत्ति मार्ग का धर्म। रावण किसकी पूजा करता था? देवी की पूजा करता था, शिव की भी करता था, लेकिन शिव की पूजा पर उसे पूरा विश्वास नहीं हुआ तो देवी की भी पूजा करता था। गौतम बुद्ध का 2050 वर्ष के जन्म दिवस बनाया गया है। हाँ जी, तो सृष्टि चक्र में 2250 वर्ष पहले ही गौतम बुद्ध आए थे, वो लेकर लिखा गया है चित्र में दिखाया गया है, तो उसका अर्थ क्या है, अंतर क्यों है? जो हिस्ट्री है वो मनुष्यों ने बनाई है या भगवान ने बनाई है? मनुष्यों ने बनाई है, मनुष्य से भूलें हो सकती हैं, लेकिन भगवान से भूल
नहीं हो सकती। जैनियों में आदिनाथ को पहला तीर्थंकर माना जाता है और आखिरी तीर्थंकर माना जाता है महावीर को। जैनियों का कहना है आज से 2500 साल पहले महावीर का जन्म हुआ। ढाई हजार साल पहले नहीं, महात्मा बुद्ध से 50 वर्ष पहले हाँ, 2250 से भी 50 साल पहले, 2300 वर्ष पहले। उनका कहना है कि महात्मा बुद्ध से 50 साल पहले महावीर का जन्म हुआ और महात्मा बुद्ध का जन्म 50 साल के बाद हुआ। लेकिन हिस्ट्री में जो भी किताबें मिली हैं बौद्ध साहित्य की, उन बौद्ध साहित्य की किताबों में महावीर का कहीं भी जिक्र नहीं है। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि महात्मा बुद्ध से 50 साल पहले अगर कोई महावीर हुए होते तो उनके साहित्य में उनका नाम जरूर आना चाहिए था। तो 24वें तीर्थंकर कोई हुए नहीं। जैसे हिंदुओं के 24 अवतार गाए हुए हैं, उन्हीं का अनुसरण जैनियों ने किया है और उन्होंने 24 तीर्थंकर बना दिए भगवान के रूप में। ज्ञान सुना सकते हैं जी, तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं सोने का बर्तन में सैनी का दूध ठहरता, फिर ऐसा क्यों कहा? ठहरता नहीं है, उड़ जाएगा। ऐसा भी टाइम आएगा कि वो मिट्टी का पात्र फोड़ करके निकल जाएगा। शेरनी का दूध मिट्टी के पात्र में रखो तो मिट्टी के पात्र को फोड़ देता है, इतनी गर्मी होती है उसमें। ऐसे ही भगवान आकर के ब्रह्मा के तन में जो ज्ञान सुनाता है वो ब्रह्मा के ज्ञान को मनन चिंतन मंथन के द्वारा जब अमृत बनाया जाता है, गीता ज्ञान अमृत, और उस गीता ज्ञान अमृत को जब विजयमाला की हेड धारण कर लेती है, उस ज्ञान को अगर कोई मिट्टी का पात्र सुनेगा, मिट्टी माना देह अभिमानी की मिट्टी वाला, जिसने आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करने का व्रत न लिया हो, तो उसकी बुद्धि में से वो ज्ञान उड़ जाएगा। बाबा हाँ, प्रभावित माना प्रजा ना, तो ब्रह्मा बाबा जिससे प्रभावित होकर शरीर छोड़े तो उसकी प्रजा बनेंगे क्या? बिल्कुल बनना पड़े, उन्होंने तो 12 गुरु बनाए थे, 12 धर्मों के 12 गुरु। हाँ जी, माँ जो होती है वो सब बच्चों से प्रभावित होती है और बाप बच्चों से प्रभावित नहीं होता है। ये विश्व के माता पिता हैं। ब्रह्मा माने बड़ी माँ, विश्व की सबसे बड़ी ते बड़ी माँ, और वो है जगत पिता। ब्रह्मा कहो जगदम्बा कहो, बात एक ही है, जगदम्बा और जगत पिता। जगदम्बा सब बच्चों से प्रभावित होती है। वो दिल्ली की धरणी है जिसकी गोद में हर धर्म ने राज्य किया है। दुनिया का कोई ऐसा शहर नहीं है
जहाँ हर धर्म ने राज किया हो। ये दिल्ली भारत की राजधानी, भारत में ही स्वर्ग होता है, भारत में ही नरक होता है। स्वर्ग की भी राजधानी और नरक की भी राजधानी। दिल्ली परिस्थान भी बनती है और दिल्ली कब्रस्तान भी बनती है। जो कब्रस्तान बनाने वाले हैं उनके प्रभाव में भी आती है और जो परिस्थान बनाने वाला है उसके भी प्रभाव में आती है। हाँ जी गीता का भगवान कृष्ण खाने से गीता के खंडित हो जाते हैं ना। जोर से बोलो, वॉल्यूम बढ़ाओ, लड़ाई लड़ते हैं, खूब जोर से आवाज आती है। गीता का भगवान कृष्ण खाने से गीता का खंडित हुए तो संगम युग में हुई। गीता का भगवान कहने से गीता खंडित नहीं होती। नहीं, गीता का भगवान कृष्ण कहने से। गीता का भगवान कृष्ण कहने से गीता खंडित नहीं होती। गीता तो पहले से ही खंडित हो जाती है। जो अखंड गीता है वो आदि से अंत तक 84 जन्मों में भी अखंड रहती है। इसलिए अखंड गीता जो शिव की गीता है उससे 1 सेकंड में स्वर्ग स्थापन होता है और खंडित गीता द्वापर युग से खंडित हो जाती है। द्वापर युग से खंडित हो जाती है मतलब लौकिक दुनिया में किस तरह एक्टिविटी। द्वापर युग की शूटिंग शुरू हुई और गीता खंडित हुई तो लौकिक दुनिया में तो हिंदू संप्रदाय में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती जो गीता को स्वीकार न करे। सभी आत्मा है तो हिंदू संप्रदाय में गीता शास्त्र को मान्यता दिया जाता है। मान्यता देती है लेकिन उस गीता से दुनिया का पतन होता है या उत्थान होता है। लेकिन लौकिक दुनिया वालों को देख पता नहीं है ना, लेकिन सभी कुछ तो एक्टिविटी होना है ना। नहीं नहीं, वास्तविकता क्या है, वो गीता पढ़ने से दुनिया का पतन हुआ या उत्थान हुआ? वास्तविकता क्या है? पतन हुआ तो वो जरूर खंडित गीता है। उस गीता में छाप पड़ी हुई है कृष्ण की जो गलत बात है। साकार कृष्ण गीता का ज्ञान नहीं सुनाता। निराकारी स्टेज में रहने वाला जो निराकार बाप है, बीज होता है निराकार, वो गीता ज्ञान दाता है। वैष्णो देवी सबसे पहले अगर उन्हीं को पाला देगी क्या? वैष्णो देवी जो है वो तो चंद्रवंश की हेड है, सूर्यवंश की तो हेड नहीं है, है? चंद्रवंश की हेड है। लेकिन चंद्रवंश से भी पहले कौन सा वंश है? सूर्यवंश। माना सूर्यवंशी जो मणके हैं वो सारी दुनिया के बीज हैं, उनमें चंद्रवंश भी आ जाता है। चंद्रवंश का भी कोई बीज होगा। नहीं समझ में आया? जो चंद्रवंश है उस चंद्रवंश का भी बीज कहाँ होगा? रुद्रमाला में या विजयमाला में? रुद्रमाला में। वो रुद्रमाला शिव की माला है, विजयमाला विष्णु की माला है। कौन सी माला ऊंची? शिव की माला ऊंची। तो जो रुद्राक्ष के मणके हैं उनमें जो 8 हैं अष्टदेव सूर्यवंशी, उनमें कोई मणका ऐसा भी है जो चंद्रवंश का बीज है? और सूर्यवंश का भी बीज होगा, होगा ना? तो अष्टदेव में जो सूर्यवंश का बीज है, चंद्रवंश का बीज है, वो युगल दाना जैसा हुआ या नहीं हुआ?
बोलो भाई भाई का पार्ट बजाने वाले हैं। शरीर में होने से भाई बहन का पार्ट बजाने वाले हैं। बाबा ने मुन्नी में बोला है ना कि बाबा भले चला जाएगा लेकिन मामा आज तक पालना के निमित्त बनेंगे। ठीक है, तो कौन से मामा के लिए बोला? जो मामा जिंदा होगी सोई बनेगी, मरी हुई थोड़े ही बनेगी। बाबा यज्ञ के आदि में गीता माता ने कृष्ण बच्चा का जन्म दिया। यज्ञ के आदि में गीता माता ने कृष्ण बच्चा का जन्म दिया। हाँ जी, तो अंत में भी वैसे ही होना चाहिए, लेकिन अंत में वैष्णव देवी कैसे जन्म देती है 2018 में कृष्ण को? गीताएं दो हैं, कृष्ण का जन्म द्वापर में माना जाता है, भक्ति मार्ग में, या सत्युग त्रेता में माना जाता है। द्वापर में माना जाता है, जो माना जाता है वो संगम युगी कृष्ण की यादगार है या सत्युग में पैदा होने वाले कृष्ण की यादगार, क्योंकि सत्युग में नारायण का राज्य मानते हैं, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है सत्युग में नारायण का राज्य था, लेकिन हे कृष्ण नारायण वासुदेव कह देते हैं। माना जो नारायण है वो वासुदेव भी है और कृष्ण भी है, तो वो सत्युग का हो गया, लेकिन संगम युग में जिसको कृष्ण कहा गया है, जिसके साथ साथ कंसीय जरा सिंधी का भी गायन है, सत्युग में कोई कंसी जरा सिंधी नहीं होंगे, वो कंसी जरा सिंधी जिस कृष्ण के पीछे होते हैं वो कृष्ण द्वापर युगी शूटिंग में प्रत्यक्ष होता है, इसलिए द्वापर में कृष्ण को डाल दिया है शास्त्रों में, नहीं तो द्वापर के अंत में महाभारत युद्ध रचा करके कलयुग की स्थापना करने के लिए भगवान नहीं आता। भगवान आएगा तो ऊंचे युग सतयुग की स्थापना करेगा या पापी कलयुग की स्थापना करके जाएगा? ऊंचे युग की स्थापना करेगा, तो यहाँ की बात है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो नॉर्थ पोल है वहां भी बर्फ के मीलों ऊंचे पहाड़ जमे हुए हैं और साउथ पोल है वहां भी बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ जमे हुए हैं। जो साउथ है वो विधर्मियों का देश माना जाता है और नॉर्थ देवताओं का देश माना जाता है। सूर्य जब उत्तरायण होता है तो अच्छा माना जाता है और जब दक्षिणायन होता है तो अच्छा नहीं माना जाता। कारण क्या है? भीष्म पितामह ने इतना कष्ट सहन किया, 6 महीने तक बाणों की शैया पर पड़े रहे, वो कौन से टाइम की बात जोह रहे थे कि सूर्य जब उत्तरायण हो जाएगा तब हम शरीर छोड़ेंगे। बाबा तो हाँ बाबा जी ने बोला कि एक पत्ता भी हिल नहीं सकती तेरे सत्ता के भीतर। हाँ जी, ये किस टाइम की बात है? इसी संगम युग की बात है, ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में कोई ऐसा संगठन तैयार होता है, ब्राह्मणों की दुनिया में कोई ऐसी नई दुनिया का संगठन तैयार होता है जहां एक की सत्ता के बगैर कोई पत्ता रूपी संगठन का सदस्य दूसरा काम नहीं कर सकता।
तो उस समय सतगुरु का पाठ चलेगा या सतगुरु का मतलब ही है सच्चा गुरु। सतगुरु और गुरु, गुरु अनेक होते हैं और सदगुरु एक होता है। जो सदगुरु है वो सच खंड स्थापन करने वाला है और दुनिया के जो भी गुरु हैं वो दुनिया को झूठा बनाए देते हैं, झूठ खंड स्थापन कर देते हैं, नरक बनाए देते हैं। 2500 वर्ष की हिस्ट्री इस बात की यादगार है। कोई कोई के लिए तो अभी भी सदगुरु का पाठ है, कोई की आंखें बंद है तो नहीं दिखाई पड़ता। कब तक रहेगा सदगुरु का पाठ? अरे रहेगा तो तब जब पहले दिखाई पड़े। नहीं, जिसका दिखाई पड़ रहा है सदगुरु का पाठ, जिसका दिखाई पड़ रहा है तो किसको दिखाई पड़ रहा है? हम बोल रहे थे किसी का सुनने वाले को दिखाई पड़ता है कि नहीं? दिखाई पड़ रहा है हाल में, इतनी जल्दी एक सेकंड में। माया बीस नाखूनों का जोर देकर के राजधानी स्थापित कर रही है। माया 20 नाखूनों का जोर देकर के अपनी राजधानी तुम्हारे लिए स्थापन कर रही है। तो चैतन्य राजधानी में छोटी मम्मी बड़ी मम्मी के लिए चैतन्य माया है वो भी स्थापित कर रही है। माया चैतन्य माया छोटी मम्मी बड़ी मम्मी को स्थापित तैयार कर रही है। छोटी मम्मी बड़ी मम्मी को तैयार कर रही है क्या? माया पूछ रही है। छोटी मम्मी माया है? हाँ, माया तैयार कर रही है क्या पूछ रही है? छोटी मम्मी को बड़ी मम्मी को, छोटी मम्मी को बड़ी मम्मी को माया तैयार कर रही है पूछ रही है। ऐसे कहा जाता है कि पार्वती की अम्मा का नाम मैना था। क्या? मैना। जैसे कोई काम के लिए कहा जाए तो कहते मैं ना करूंगी, जो काम कहा जाए सो नहीं करेगी और ही उल्टा काम करेगी, उसको कहा जाता है माया बेटी। तो माया बेटी जो है वो भगवान की पत्नी भी बन जाती है। माया पति कहा जाता है, वो राधा पति नहीं है सिर्फ, सीता पति नहीं बनता है, लक्ष्मी पति ही नहीं बनता है, इसका पति बनता है, माया पति भी बनता है। तो अरे एक बात तो पूरी होने दो तब दूसरी बात शुरू करो। टाइम हो गया हैं? टाइम हो गया, टाइम हो गया, चलो। और भी क्लास होता है,